नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड और मैं करिश्मा आपके साथ। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है, लिहाजा तैयारियां अंतिम चरण में है। और जिससे लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में विधायकों की सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है, जिसमें सदन के सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो बता दें कि झारखंड विधानसभा का कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जाएंगी। हालांकि तैयारियां अंतिम चरण में, लेकिन आज से पहले अध्यक्ष रविंद्र महतो की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक है, सर्वदलीय बैठक वो शुरू हो गई है। हालांकि इस बैठक के पहले जो रविंद्र महतो अध्यक्ष वो वहाँ के राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और अब इस बैठक की शुरुआत हो गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो सदन के सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र के कल से शुरू हो रही है और इससे पहले एक सर्वदलीय विधायकों की बैठक बुलाई गई है। रविंद्र महतो की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें सदन के सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो हालांकि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की, तो और इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात बताया। तो बता दें कि आज जिस तरह से विधायकों की सर्वदलीय बैठक अब शुरू हो गई है, जिसमें सदन के सुचारू रूप से चलाने को लेकर मंथन किया जा रहा है और अब कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी विधायकों का भी अलग अलग आज बैठक होने वाली है, जिसमें दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार करेगी। दरअसल कोरोना काल विपक्ष के पास इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर हंगामा तय माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष के सवालों पर सत्ताधारी पार्टियां भी जवाब देने को तैयार है। तो रांची में सर्वदलीय बैठक से पहले विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की और राजभवन पहुंचकर उन्होंने रमेश बैस से मुलाकात की और मीडिया के सवाल पर उन्होंने मुलाकात को शिष्टाचार बताया है। सत्र बहुत ही बेहतर रहेगा, मैंने एकदम मैंने सकारात्मक सत्र रहेगा, सार्थक सत्र रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक झारखंड में काफी लंबे अनुभव वाले विधायक हैं। बस सत्र बहुत ही बेहतर रहेगा, मैंने एकदम। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलने वाला है और इस बीच 2 दिनों का अवकाश भी है, यानी इस मानसून सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही तैयार है। एक तरफ सरकार जो है सत्र में कैबिनेट से पारित हुए प्रस्तावों को विधानसभा से पास करवाना चाहेगी, तो विपक्ष के वार से भी बचना सरकार के लिए मुश्किल होगा। विपक्ष सरकार को न्यूनतम नीति के मामले पर भी घेरेगी, जिसमें पारा शिक्षक, जेटेट पास शिक्षक, पंचायत सचिव, होमगार्ड और पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां लंबित है और पिछले दिनों नियुक्ति को लेकर हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर उनके आवास का घेराव किया गया था। और इसके अलावा दिल्ली में हुए इमर्जिंग अभियान के झारखंड पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगी, क्योंकि जो MOU पहले हुए थे सरकार ने उन्हें आधारभूत संरचना नहीं दी और कई उद्योग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कुल मिलाकर 5 दिनों का ये छोटा सा मानसून सत्र हंगामेदार होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब देखना है कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देगी। तो झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है, लहजा तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में। इसको लेकर अध्यक्ष रविंद्र महतो के अध्यक्षता में विधायकों की सर्वदलीय बैठक है वो शुरू हो गई। तो अधिक जानकारी के लिए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी रांची से, जहां पर हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, कल से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उसके पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चाएं की जाएंगी और किस तरह की विशेष तैयारी?
जी 3 सितंबर से 9 सितंबर तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और कल से इस सत्र की शुरुआत होगी, जिसको देखते हुए आज एक दिन पहले विधायक की जो विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्र महतो, उनकी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी पार्टियों के जो विधायक दल के नेता हैं वे शामिल होंगे और कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही सुगमता से चले इस पर अध्यक्ष के द्वारा सभी विधायक दल के जो नेता हैं, हर एक पार्टियों के विधायक दल के जो नेता इस बैठक में शामिल होंगे, उनसे मंत्रणा की जाएगी ताकि अधिक से अधिक जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को इस सदन पर रखा जाए ताकि उन जन समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष जरूर चाहेगी कि जो जन समस्याएं हैं या फिर जो उनके अपने मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी, वहीं यदि सत्ता पक्ष सरकार की बात की करे तो वे उन हर एक चीज़ों का क्लेरिफिकेशन इस सदन के अंदर देगी। यानी माननीय जो सदस्य होंगे उनके जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वह अपनी रणनीति अलग बना रही है और सत्ता पक्ष उसका कैसे निपटा जाए उन चीजों से, उन सवालों से उसकी जवाब की तैयारी कर रही है। और यह बैठक आज कह सकते हैं अब से थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली है। विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्ष कार्यालय में ही यह बैठक आयोजित की गई है। धीरे धीरे जो विभिन्न पार्टियों के जो विधायक दल के नेता है वे अब विधानसभा पहुंच रहे हैं और इस बैठक में कह सकते हैं कल की जो 6 दिवसीय या विधानसभा सत्र है उसको लेके चर्चाएं होंगी। सदन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सभी विधायकों से भी आग्रह किया जाएगा कि सदन की जो कार्रवाई है उसको सुगमता से चलने में सबका सहयोग दें। इससे पहले भी यदि बात करें तो जिस तरह से स्पीकर ने साफ कहा है कि जो भी माननीय सदस्य हैं वे काफी अनुभवी हैं और उसका फायदा जरूर इस मानसून सत्र में सदन को प्राप्त होगा। जी बिल्कुल संदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से देखिए कई अहम मुद्दे हैं, चाहे अगर बात की जाए धनबाद के जो जज उत्तम आनंद है, अगर बात की जाए तो रूपा तिर्की की मौत या फिर नियोजन नियुक्ति की मांग को लेकर, क्योंकि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये सरकार अगर राज्य सरकार जरूर घिरेगी। राज्य सरकार को अगर देखा जाए तो देखिए एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल ये जो मानसून सत्र चलेगा तो काफी हंगामेदार हो सकता है। जी कई ऐसे विपक्ष के पास मुद्दे हैं, चाहे रूपा तिर्की की बात करें जो हत्याकांड से जुड़ा मामला है, हालांकि सीबीआई जांच की अब अनुमति हाई कोर्ट ने भी दे दी है। वहीं नियोजन नीति की बात करें जो पारा शिक्षक हैं उसके स्थायीकरण की मांग है, जो टेट पास शिक्षक है वे अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे का होमगार्ड के जो जवान हैं, तो कई चीजें हैं जो मुद्दे हैं उनको लेके विपक्ष घेरने का काम जरूर इस मानसून में करेगी। क्योंकि आज जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो सभी विधायक दलों की बैठक आज संपन्न हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो आरपीएन सिंह जो है प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, वे भी रांची पहुंचे हैं, 4 बजे से उनकी भी बैठक जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वह शुरू हो चुकी है और उसमें रणनीति बनाई जा रही है कि इस सत्र के दरमियान कैसे सरकार को घेरा जाए। और यदि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनकी अध्यक्षता में शाम 7 बजे पार्टी कार्यालय में ही बैठक आयोजित की गई है विधायक दल की। तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी रणनीति बनाने में लगी है कि जो मानसून सत्र है उसमें सरकार को वे अपनी जो मांगे हैं या फिर जो जन मुद्दे हैं उन चीजों को लेकर और एक प्लानिंग तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार उसका समुचित या जो जवाब है उस सरकार से लेने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जी चलिए बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।